ग्रामीण संघर्ष समिति के सदस्यों ने मंडी में ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम मंडी में शामिल करने का विरोध किया। संघर्ष समिति के सदस्यों ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 13 ग्राम पंचायतों को नगर निगम मंडी में शामिल करने का प्रस्ताव है और ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने से ग्रामीणों को मिलने वाली कई तरह की सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। इसके साथ ही संघर्ष समिति के प्रधान ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अपनी मर्जी से ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत कई ग्रामीणों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने से उन्हें रोजगार से भी वंचित होना पड़ेगा। संघर्ष समिति के प्रधान के मुताबिक नगर परिषद द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि पंचायत को नगर निगम में शामिल करने से गांव में पक्के रास्ते और स्ट्रीट लाइट की सुविधा प्रदान की जाएगी, लेकिन ये सुविधा पहले ही ग्राम में उपलब्ध है। आप सबको मेरी नमस्कार, आपने हमारी बातें घर घर पहुंचाई, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं प्रधान ग्रामीण संघर्ष समिति रवि सिंह जुनेल, एक्स सर्विसमैन, एक्स फील्ड लाइन ऑफिसर, एक्स प्रधान बल्ब कॉलेज मंडी। हमारी 13 पंचायतों को नगर निगम में लगाया गया। हम नहीं चाहते नगर निगम में मिलना, ना तो हमारे से कोई परमिशन ली, ना तो कोई NOC ली, अपनी मर्जी से सरकार ने हमें नगर निगम में डाल दिया। इससे पहले हमें प्लानिंग एरिया में डाला था, तो प्लानिंग वालों के साथ भी हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद जनमंच हुआ, जनमंच में भी हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद मेडिकल कॉलेज नियर चौक में माननीय महेंद्र सिंह जी जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने हमारी इसी संदर्भ में मीटिंग रखी थी, तो हमने सभी पंचायतों ने अपने वहाँ विरोध प्रस्ताव उनके पास दिए। महेंद्र सिंह ने माना कि अगर आप लोगों का विरोध है तो हम भी आपके साथ हैं, हम आपको आपकी बात सरकार तक पहुँचाएंगे, जल्दी आपको नगर इससे PCP से बाहर निकाल जाए। वह उसके बाद हुआ यूँ, जो जो एरिया प्लानिंग में आया था उसी क्षेत्रों को नगर निगम में मिलाया गया। तो हम नहीं चाहते नगर निगम में मिलना, जैसे कि हमारे पंचायतों में एक सबसे बड़ी स्कीम है मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम के अंतर्गत हमारे ग्रामीणों के जॉब कार्ड बने होते हैं, हर जॉब कार्ड धारक को 100 दिन का कार्य मिला, उसके बाद 50 दिन पूरा करने पर उनका एक हेल्थ कार्ड बनता है, उससे के 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकते हैं। नंबर 3, मैं बात करूंगा अध्यक्ष महोदय से, जो यहाँ की वर्तमान अध्यक्ष है, वो बोलती है, मैंने उनकी इंटरव्यू सुनी, वो बोलती है हम गांव में रास्ते पक्के कर देंगे, सड़कें पक्की कर देंगे, लाइटें लगा देंगे, उसका पानी लाएंगे। तो महोदय आप चलिए, आप अगर आपको वक्त मिलता है आप आइए हमारे गांव में, हम दिखाते हैं आपको। ये चीज़ें हमने पहले ही कर रखी है, हमारी ऐसी कोई वार्ड नहीं है जिस वार्ड को हमने सड़क से नहीं जोड़ा हुआ है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिस लोगों के घर तक नहीं जाता है, सभी चौराहों के ऊपर हमने लाइटें लगाई हुई है, सौर ऊर्जा लाइट लगाई है, वो फ्री लगती है। तो मैं चाहूँगा हम लोग अभी एक अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, 7 तारीख को हम DC महोदय से मिलेंगे, हमारी 13 पंचायतों के 15-20 आदमी एक पंचायत होंगे, हम ज़्यादा मौन जुलूस निकालेंगे, उसमें हम आग्रह करेंगे सभी का, हम काली पट्टी की जगह काला मास्क लेके आएंगे। तो मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री से आपके मंच के बाद आपके चैनल हमें नगर निगम में मत मिलाया जाए, हमें नगर निगम से बाहर किया जाए। धन्यवाद, जय।